हेलो फ्रेंड्स, अलकास किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा। ये व्रत में खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 मीडियम साइज के उबले हुए और छिले आलू चाहिए, थोड़े से सूखे मेवे चाहिए, 1 कटोरी चीनी चाहिए। अब कढ़ाई को गैस पर रख के गर्म करेंगे और उसमें 4 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। अब आलूओं को हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, नहीं तो इसे कद्दूकस करने से एक भी लम्स नहीं रह जाएंगे। अब घी में आलूओं को डाल के हल्का ब्राउन होने तक भुने धीमी धीमी आंच पे। आंच को तेज नहीं करना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगेगा। इलायची को कूट के डाल दें। कर अपनी इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, जितनी आपकी इच्छा हो। जैसा आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप शक्कर इसमें मिलाएं और जब तक शक्कर गल ना जाए उसे चलाते रहें। अब ड्राई फ्रूट डाल के गैस को बंद कर दें और सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करें। आपका आलू का हलवा बनके तैयार है। खाइए और खिलाइए और हमें बताइए ये कैसा बना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।